जेल में बंद वीरेंद्र राम की संपत्ति को किया कुर्क, ठेका देने के बदले कमीशन लेकर संपत्ति बनाने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की करीब 39 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। जब्त संपत्ति में राजधानी के पौश इलाके में स्थित 2 फ्लैट, 1 फार्म हाउस, जमशेदपुर में आलिशान बंगला और कुछ खंड शामिल है। केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीरेंद्र कुमार राम और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति को जब्त की गई है। धन शोधन रोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह संपत्ति जब्त की गई है। एजेंसी ने बताया कि झारखंड के रांची और जमशेदपुर, बिहार और दिल्ली स्थित विभिन्न ठिकानों की छापेमारी करने के बाद राम को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रिश्तेदार और उनके भाई आलोक रंजन से भी ईडी ने पूछताछ की, जिसके बाद आलोक रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों मौजूदा समय में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 40 लाख रुपए की नकदी, 7 लग्जरी वाहन और 1.5 करोड़ मूल्य के जेवरात भी जब्त किए गए थे। ईडी ने बताया कि वीरेंद्र राम की कुर्क की गई चल और अचल संपत्ति की कीमत करीब 39 करोड़ रुपए है, जिनमें फार्म हाउस दिल्ली के पॉस डिफेंस कॉलोनी और साकेत इलाके में स्थित 1-1 फ्लैट, जमशेदपुर में 2 मंजिला बंगला और कई अन्य भूखंड शामिल है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रांची में ग्रामीण कार्य विभाग में बतौर मुख्य इंजीनियर तैनात वीरेंद्र कुमार राम ने ठेका देने के बदले ठेकेदारों से कमीशन लेकर उक्त संपत्ति बनाई। अपराध से अर्जित धन से राम और उनका परिवार शानदार जीवन व्यतीत कर रहा था। एजेंसी ने झारखंड के भ्रष्ट रोधी ब्यूरो की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, संपत्ति बनाने का आरोप लगाया।